उस मेडिग्राम की जो ख्याति थी उस ख्याति को भी दाग लगाने का काम किया है। वहाँ पर जो मरीज गए हैं, जिस तरह से उनके साथ लूट कसोट हुआ है, अब ऐसा प्रतीक हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी वही कल्चर चल रहा है कि जिसकी जितनी गठरी भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये सब लोग तो कह रहे हैं कि भाई इस बार कुछ भी हो जाए, हर पार की करनी इनसे, मेदार लोग आए, भीड़ तो इपका करेंगे। जो खतौली में हुआ ना वही यहाँ होने जा रहा। बहुत सारी पार्टियों की जड़ हिलाने का काम हम करने जा रहे हैं और पूरे गुजर समाज को एक साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है चुनाव में वोट करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर में मेयर चुनाव चल रहा है और इस चुनाव को लेकर ही गुर्जर समाज ने गुर्जर भवन में आज एक बहुत अहम मीटिंग की है। गुर्जर समाज इस चुनाव में किसकी किस्मत खोलने का काम करेगा और किसकी किस्मत पर ग्रहण लगाने का काम करेगा, आज इस पर ही बात होगी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर गुर्जर समाज के काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सांसद, विधायक या फिर मंत्री तो नहीं हैं, उन लोगों को तो राजनीति करनी है, लेकिन ये वो लोग हैं जो समाज के लिए संघर्ष करने का काम करते हैं, समाज की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। लोकेश जी, आपने एक मीटिंग का आज आयोजन किया है, आपने इसका ऐलान कर दिया था, तो इसमें क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, इसमें अभी प्रमुख लोग यहाँ पर आए थे, जो वार्डों में लोग रह रहे हैं यहाँ पे, उनके प्रमुख लोग आए थे और उन सभी के साथ में विचार विमर्श हुआ है और एक बड़ी मीटिंग खुले में बाहर करने का। क्योंकि देखो, जब तक हम बाज़ारों में मीटिंग नहीं करने के अपनी, तब तक एक मैसेज नहीं जाने का। यहाँ पर बंद कमरे में हमने मीटिंग कर ली, लेकिन एक खुले में मीटिंग करनी है, उसके लिए कमेटी आज यहाँ पे कमेटी की घोषणा की गई है और हम आज शाम तक या कल तक एक तारीख तय करके एक बड़ी मीटिंग की घोषणा कर देंगे, जिसके लिए हम सब लोगों की सहमति बनी है, तो उसी पे आज हम सब लोग आगे बढ़े हैं। और सभी लोगों ने अपने विचार दिए और सब ने ये कहा कि जो आज हो रहा है वो हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। लगातार OBC में हम लोग आते हैं, बहुत सारे समाज आते हैं, उन सबको छोड़कर एक धनाढ्य व्यक्ति जिसका समाज सेवा से कोई संबंध कभी नहीं रहा है और जिसका अपना समाज भी यहाँ नहीं है, उनको टिकट दिया गया है। अब उस टिकट का आधार क्या है तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि भाई जिसकी, जैसे बसपा का एक नारा था, जिसकी गठड़ी जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी। अब संख्या का कोई मामला नहीं है, अब तो गठड़ी का मामला है। तो अब ऐसा प्रतीक हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी वही कल्चर चल रहा है कि जिसकी जितनी गठड़ी भारी उसकी उतनी भागीदारी। यानी डॉक्टर अजय सिंह ने गठड़ी बहुत भारी दे दी है। देखो, जो हमारे सुनने में आया है, पहले भगत सिंह का नाम चल रहा था, हमारे पास फ़ोन भी आया कि भाई भगत सिंह का नाम फाइनल होने वाला है यहाँ से, लेकिन फिर एक उस दिन रात को टिकट हुआ नहीं, अगले दिन सुबह नहीं हुआ, फिर अगले दिन शाम को टिकट हुआ, तो बीच में जो खेल हुआ उस खेल के बाद हम तो यही कहेंगे कि भाई गठड़ी भारी निकली उसकी, हमारे वाले की हल्की निकली हमारी, तो इसलिए हमारा टिकट हुआ नहीं। सहारनपुर को गुर्जर बाहुल्य कहा जाता है और यहाँ पर तो बड़े बड़े किसान हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े बड़े लोग हैं, तो आपकी गठड़ी का वजन कुछ कम था क्या? नहीं, गठड़ी का वजन तो बहुत था, लेकिन हमारी गठड़ी लेनी थी उन्हें तो नहीं, इतना बड़ा समाज है, हम तो गठड़ी भारी कर देते, अगर एक बार आवाज़ लगा देते कि भाई मेरी आ जाओ सब लोग, तो हम तो लाखों की संख्या में जुट जाते हैं। हमने चुनाव नहीं लड़के दिखाए, हमने नक्कुड़ के अंदर, गंगों के अंदर चुनाव जीतने का काम किया, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को हराने का काम किया। आपको तो पता है किस तरह से चुनाव हुए, तो ऐसा थोड़ा चुनाव लड़ना जानते हैं हम, चुनाव लड़के दिखाते और जीतते इस चुनाव को। और ये देखो, जब यहाँ पे गुजरों के लड़के बूथों पे खड़े होते तो हज़ारों वोट तो हमें ऐसे ही कर देते, लेकिन ये सब चीज़ें हैं कि इन्होंने मौका ही नहीं दिया हमें करने का। पहले भी जब इन्हें जरूरत पड़ती है अपने चुनाव में, जब विधानसभा का चुनाव यहाँ हो रहा था, तो राजीव कुमार साहब ने हमें कहा कि भाई आप लोग बूथों पर खड़े हो जाओ, मैं तो वैसे जीत जाऊँगा, तो वही हुआ। तो इसलिए हम तो कह रहे हैं कि हमें मौका मिलता तो हम तो चुनाव जीतते, कम से कम 1,00,000 वोटों से यहाँ, लेकिन हमें मौका ही नहीं दिया। अब हमें कहते हैं कि ये तो देहात के लोग हैं, भाई देहात के लोग हैं तो हम कहीं बाहर से थोड़ा ही, पाकिस्तान से थोड़ा ही आए हैं, तो यहीं इस ज़िले के, और जब ज़िले में हम यहाँ पर रह के सभासद पार्षद के चुनाव जीत रहे हैं, तो भाई मेयर का क्यों जीत सकते हम? पार्टी का सिंबल हमें मिलता तो हम लोग आगे बढ़ते, निश्चित रूप से समाज में शहर को अलग से पहचान दिलाने का काम करते, जहाँ जहाँ भी हमारे लोग हैं, भ्रष्ट नहीं है कहीं भी, जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हमारा एक भी आदमी पूरी सरकार में, पूरे भारत में कोई दिखा दो जो राजनीति में हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ हो, बताओ किसी पर आरोप लगे क्या?
आप भाजपा की तो प्रत्याशी को लेकर एक तरह से मुखालपत कर रहे हैं, लेकिन आप किसे समर्थन देंगे ये पत्ते अभी आपने खोले नहीं हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर से आप भाजपा की तरफ लौट आओ? देखिए, भाजपा की ओर लौटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, भाजपा की ओर लौटने का सवाल पैदा नहीं होता है, लेकिन सबकी राय लेके आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं अपनी राय किसी के ऊपर थोप दूं और वो ही ना चले तो कल मेरी हवा निकल जाएगी। इसलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता, ये सब लोग जिम्मेदार लोग हैं, ये कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो अपनी राय किसी के ऊपर थोपें। लेकिन ये तय है कि हम भाजपा को सपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं। लोकेश जी, आपकी हवा तो निकल चुकी है, क्योंकि कुछ लोग तो वहाँ भाजपा के खेमे में जाकर आपके ही समाज के लोग कह रहे हैं कि जो मीटिंग कर रहे हैं उनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो फिर डॉक्टर अजय सिंह क्यों बेकार में सड़कों पर घूम रहा है? जब उनके पास सब कुछ है, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग हैं, कौन लोग हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब उनके पास सब कुछ है तो वो सड़कों पर क्यों घूम रहा है अजय सिंह? बस बैठे बैठे कमरे में कर दे ऐलान कि भाई जाओ, हो गया, निमट गया मामला, जाओ बस, सब हो गया, मैं गुजर, प्रमाण पत्र मिल गया, जाओ, हो गया बस। ये जनता कड़ी, सबके वोट हैं, क्यों जा रहे पे सड़कों पे, क्यों घूम रहे हैं जब ऐसा है? लोकेश जी, आपने पूरा प्रयास किया इस मीटिंग को लेकर, आपके समाज के यहाँ से 20,000 से 30,000 के करीब वोट हैं, तो यहाँ तो 100 लोग भी इकट्ठा नहीं हो पाए। ऐसा नहीं है, आपके आने से पहले बहुत पहले से सुबह से मीटिंग चल रही है, बहुत लोग आ रहे हैं, आज 13वीं भी थी, उनमें भी गए हैं। और जैसे मैंने पहले कहा है, जिम्मेदार लोग बुलाए गए थे, जिम्मेदार लोग आए, भीड़ तो इपका करेंगे। इस बार जो मीटिंग होगी ना वो खुले में होगी और पूरी भीड़ के साथ होगी, उसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं, पूरे मीडिया के साथ ही सब लोग आमंत्रित हैं उसमें। आपके समाज के बारे में तो ये कहा जाता है कि इन्हें कहीं नहीं जाना है, देख लेना ये घूम फिर कर फिर भाजपा के पास आएंगे। अब ये पता नहीं कौन कह रहा है, मैं तो पता नहीं भाई, यहाँ सब लोग खड़े, ये सब लोग तो कह रहे हैं कि भाई इस बार कुछ भी हो जाए, आर पार की करनी इनसे। सम्राट मिहिर भोज को आप क्या मानते हो ये बताओ? सम्राट मिहिर भोज हमारे आदर्श हैं, पूरे समाज के आदर्श हैं। विधानसभा चुनाव से पहले चर्चाएं ये हुई, आप लोगों ने देखा भी, कालिक पोती गई, और आप लोगों ने इसके बाद फिर एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, ये रिकॉर्ड बताते हैं। देखो, रिकॉर्ड निश्चित रूप से बताते हैं, लेकिन कई बार लोग गुड गवर्नेंस के आधार पर भी वोट करते हैं, जहाँ पर सरकार बनती है। यहाँ सरकार नहीं बन रही है, ना सरकार गिर रही है, ये तो निगम का चुनाव है, मेयर के चुनाव है, नगर पालिकाओं के चुनाव है, इनसे ना देखिए, आप रिकॉर्ड उठा लो पिछले भी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ 6 साल से सरकार में है, लेकिन नगर पालिकाओं में ज़्यादा अधिक उसका वो नहीं है, वर्चस्व नहीं है। ज़्यादातर जो चेयरमैन है नगर पालिकाओं में, मेयर को छोड़ दें तो ज़्यादातर चेयरमैन समाजवादी के, बहुजन समाज पार्टी के हैं, भाजपा के कम हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे सरकार ना गिर रही है ना बन रही है, तो वो जो चीज़ें हैं वो कई बार लोग गुड गवर्नेंस के आधार पर या कोई सरकार की उपलब्धि के आधार पर भी वोट देते हैं, उसमें वो नहीं होता है कि सब लोग एक ही आधार पर वोट देंगे, तो कई लोग उसमें ऐसे भी होते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है, लोकेश जी तो कह रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में तो हम जाएंगे नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन पार्षदों को टिकट दिया है फिर उनका क्या होगा? उन पार्षदों को जिताने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे, वो हमारे समाज से है, समाज के साथ है, समाज पर प्रथम है, समाज से भी है, पार्टी बाद में, समाज पहले। तो इंदिरा गांधी के टाइम में चौधरी सुखपाल जी। मेरा आपसे सवाल है कि आपको भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत क्या है, क्या समस्या है, क्या आपका विरोध है? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई दिक्कत वैसी नहीं है, हमें तो चूंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी टिकट मांगने का हक है, यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग 25-30 हज़ार की तादाद में हैं, उन्होंने भी अपना टिकट मांगने का काम किया। हमारा एक सभासद, 3 बार का सभासद भगत सिंह, और इतना कर्मठ है और इतना ईमानदार है कि पिछले 10-15 साल में उस पर कभी कोई उसके भ्रष्टाचार का इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा, अपने वार्ड में पूरा जम के काम करता है। उसने अपने टिकट मांगने का काम किया है, लोगों से मिलता रहता है, लोग पब्लिक के बीच का आदमी है। गुजर भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसका समाज इस जनपद में नहीं है। हमारी लड़ाई केवल ये है, हमें कोई डॉक्टर अजय सिंह से कोई हमारा विरोध नहीं है, हमारा विरोध इस बात को लेकर के कि एक समाज जो अपने मीर भोज के सम्मान को लेकर के, चूंकि राष्ट्रवाद का मामला था और गुड गवर्नेंस का मामला था, तो योगी को 90% से ऊपर उठ दिया था। हम लोगों को नाज था कि अब की बार मेयर के चुनाव में हमारे समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने का काम करेगी, लेकिन उन्होंने जो है हमारी समाज के लोगों की अवहेलना कर कर, समाज के लोगों के साथ कुठाराघात कर करके
उनको टिकट देने का काम नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दे जाए जिसका समाज से कोई मतलब नहीं है। ये बात सही है, वो डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर का कोई जुड़ाव किसी किस्म का पब्लिक से नहीं है। हमारा कहना ये है कि आज जो है गुर्जर समाज जो है उसमें रोष है इस बात को लेकर के, जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, हमारा समाज राष्ट्रवादी है, उसने हमेशा राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी की है। इतिहास उठा करके भी देखेंगे तो चाहे कितना भी स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो तो हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। वो बात सही है कि हम लोगों, चूँकि हम लोगों का पत्रकारिता में उस जगत में हम लोगों का कोई आदमी नहीं था, हम लोगों को उतना सम्मान उसमें नहीं मिला है, लेकिन उसमें भी देखेंगे स्वतंत्रता के आंदोलन तो हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, और हम लोगों ने मुगलों को भगाया है और अंग्रेजों को भगाने में इस समाज का ये सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो हमें फख्र था इस बात का कि अब की बार हमारे समाज को टिकट दिया जाएगा, लेकिन सारे समाज के लोगों ने मेयर महापालिका के लोग में इकट्ठा जितने थे सब लोग इकट्ठा हुए, और देखो डॉक्टर लोहिया करते थे कि भीड़ से आंकलन नहीं होता है, समाज को चंद सिर फिरे लोग ही बदलने का काम करते हैं। आज समाज की यहाँ क्रीम थी, उसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, व्यापारी वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग, सब लोग इकट्ठा थे और सब लोगों ने एक मुस्त तरीके से, क्योंकि हमारा लोकेश भाई महासभा चलाता है, वो राष्ट्रीय स्तर पर गुर्जरों की बात को उठाता है, हम लोगों ने भी सब लोगों ने इकट्ठा होकर के और ये निर्णय लिया है कि एक कमेटी का निर्धारण करने, और आज एक कमेटी का निर्धारण किया गया है, और इस बीच में बहुत जल्द एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाएगी ताकि पार्टी जो समाज के लोग कोई ये ना कहे कि भाई हमसे पूछ के निर्णय ले लिया है। इसमें दोहरा नहीं, हमारे एक दो एमपी है, नहीं एक एमपी है, दो एमएलए है, उन लोगों की भी बात पार्टी ने सुनने का काम नहीं किया है, क्योंकि उनकी बाध्यता है कि वो पार्टी स्तर पर अपने नेतृत्व के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, लेकिन ये लोकतंत्र है, ये समाज है, सब इसमें सब लोगों को अपनी बात कहने का हक है, और अपनी बात को चिरंजन आदाज में और जोर शोर तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। और हमारा समाज एक ऐसा समाज है कि जब ये अपनियों पर आता है तो इतिहास बदलने का काम करता है, और अब की बार इसी लाइन से हमारा नौजवान जो सोच रहा है कि बहुत जल्द एक बड़ी मीटिंग में ला करके जो भी निर्णय लिया जाएगा और उस निर्णय पर 100% पालन किया जाएगा और इतिहास बनाने का काम होगा। आप एक बात बताइए, जनपद में आपके दो विधायक एक सांसद, आप कहते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा नहीं बनाया, अब मेयर चुनाव पर भी आप लोगों ने दृष्टि गड़ा ली है, तो ऐसे क्या सारे पद गुर्जर समाज को ही चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कि भाई हमें सब पद चाहिए, लेकिन अब दो एमएलए हैं, एक एमपी है, हमारी प्रदेश स्तर पर जहाँ विधानसभा में हम लोगों का प्रतिनिधित्व है, बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व है, हमारी वहाँ भागीदारी उतनी नहीं है, एक राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है, तो हम लोग फिर भी उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष के साथ ही रहे हैं। देखो ये गुर्जर बाहुल्य जिला है, जिला पंचायत का चेयरमैन हमारे समाज को ही मिलना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पार्टी ने जो तय किया था हम लोग उस बात को बर्दाश्त करके पार्टी के साथ रहे हैं, लेकिन अब की बार हमें पूरी उम्मीद थी कि मेयर के चुनाव में हम लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन उस प्रतिनिधित्व में नहीं मिला, तो ये थोड़ा सा रोष हम लोगों के अंदर है। ऐसा नहीं कि भाई सब पद हमें चाहिए, पद जो है सभी पार्टी के लोगों को मिलना चाहिए, जो समाज के लोकतंत्र में जो भी भागीदारी है जिनकी, सब लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग चूँकि एक जिले का प्रतिष्ठित पद था वो हमसे नहीं दिया गया है, तो हम ये चाहते थे कि महानगर का पद जो हमें दिला जाए, ये थोड़ा रोष है हम लोगों के अंदर। और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि डॉक्टर अजय सिंह का जुड़ाव जनता से कुछ कम है, वो तो डॉक्टर है, डॉक्टर का जुड़ाव तो जनता से रहता है और हजारों मरीजों को वो देखते हैं, तो डॉक्टर से बड़ा समाज से भी कौन हो सकता है? डॉक्टर अजय के बारे में पब्लिक में कोई इस तरह का आवाज़ नहीं है कि उसे सब लोग जानते हैं, केवल इतने बात जरूर है, वैसे वो मूल निवासी भी इस जनपद के नहीं है, उनके फादर फोर फादर वगैरह यहाँ रहे हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर नर्सिंग होम मेडिग्राम के नाम से खोल रखा है, लेकिन उनका जनता से कोई जुड़ाव नहीं है। और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि मेडिग्राम का जब कोरोना 19 चला है उस दौरान उस मेडिग्राम की जो ख्याति थी उस ख्याति को भी दाग लगाने का काम किया है, वहाँ पर जो मरीज गए हैं जिस तरह से उनके साथ लूट कसोट हुआ है उसके बारे में सब जिले की जनता को पता है।
राहुल जी, मेरा आपसे सवाल है, और सवाल ये है कि जिस तरीके से खतौली प्रकरण हुआ, गुर्जर समाज ने एकजुट होकर सत्ताधारी पार्टी का विरोध किया, तो क्या सहारनपुर में भी ऐसा कुछ होने जा रहा है? जो खतौली में हुआ ना, वही यहाँ होने जा रहा। और मैं आपको बता दूँ, 2014 में वोट किया समाज ने, 17 में वोट किया भाजपा को, 19 में वोट किया, 22 में वोट किया, और 2021 में जो दादरी प्रकरण हुआ गुर्जर सम्राट मीर भोज का, वहाँ पर जो हमारा अपमान किया गया, अब उस इसी अपमान में समाज ने तय कर लिया था कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने नहीं जा रहे हैं। लेकिन समाज के ही कुछ लोगों ने वहाँ पर दोबारा उस पट्टिका पर गुर्जर लिखवाया, तो गुर्जर समाज में जो संदेश गया, हाँ भाई चलो वहाँ गुर्जर लिखा हुआ है, कुछ लोग हमारे समाज के मान गए, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। लेकिन उसमें हमारे विधायक भी तो बने हैं, चंदन चौहान विधायक बने, उन्होंने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रशांत चौधरी है, अपने ही समाज के आदमी को हराया, अतुल प्रधान जी चुनाव जीते, और हमारे एक दो मदन भैया चलो खतौली से बाद में जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। समाज जो है विरोध अभी उतना करना नहीं जानता जितना करना चाहिए। मेरी समाज से अपील है, अगर आप विरोध करते हैं तो ठोककर विरोध कीजिए, अगर समर्थन करना है तो ठोककर समर्थन कीजिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, और जो पार्टी हमें सम्मान देगी हम उस पार्टी का साथ चलने का काम करेंगे। अब मेरी बात सुनिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषणा की है, उसमें मात्र एक प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर इतनी सी कर ली गई, कोई महत्वपूर्ण पद प्रदेश महामंत्री या प्रदेश मंत्री कोई हमें पद नहीं दिया गया, उसको लेकर भी गुर्जर समाज में बहुत नाराजगी है। और रही बात मेयर की, ये तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीट थी, बहुत सारे कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी में गुर्जर समाज के, जो जिनको पद ये टिकट दिया जा सकता था, आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास नहीं किया, क्यों, क्या हम राष्ट्रवादी नहीं हैं, या हमें कुछ कमी है, या हमारे नाम से ही आकर आपको दिक्कत हो जाती है कि आए गुर्जर समाज को टिकट नहीं देंगे, ये तो देहात के लोग हैं। अरे भाई, देहात से ही तो आके शहर बना है, ये शहर पहले कितना बड़ा था। प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी ने तो आपके समाज पर दांव लगाया है, प्रदीप वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोग संगठन के लोग हो तो उन्हें आप समर्थन आखिर क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल आपकी बात 100% सही है, ऐसा ही हो सकता है, हो भी जाएगा, लेकिन अभी एक कमेटी बनी है, कुछ कमेटी के हमारे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा भाई कमेटी जो निर्णय लेगी हम उसका डिसीजन लेंगे, क्योंकि हो सकता है इसके बड़े बाद खुले मंच में बहुत बड़ी पंचायत गुर्जर समाज यहाँ पे करने जा रहा है, उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे। अगर इतना बड़ा समाज 30 से 35 हज़ार वाला वोट, तो क्यों ना हम प्रदीप जी की तरफ ही चले जाएं, तो बहुत सारी पार्टियों की जड़ हिलाने का काम हम करने जा रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल बजेगा? बिल्कुल बजेगा जी। इस बार जो है समाज ने तय कर लिया है कि लगातार हमारी 9-9.5 साल से उपेक्षा हो रही है, और गुर्जर समाज लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है। हमारे बहुत बड़े सम्राट मीर भोज का अपमान होने के बावजूद गुर्जर समाज ने एक तरफा अभी विधानसभा के चुनाव में, अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, 98% चुनाव जो है गुर्जर ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया था। लेकिन इस बार हम रणनीति बनाएंगे और पूरे गुर्जर समाज को एक साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है चुनाव में वोट करेंगे। गुर्जर समाज को तो ये कहा जाता है ये तो आलू है, सब जगह बिखरा पड़ा है। देखिए, गुर्जर समाज आलू नहीं है, ये बड़ा दयालु समाज है, बड़ा भोला समाज है, लेकिन जब ये आंदोलन पे आता है ना, तो ये बड़ा ही खतरनाक रूप लेता है, और फिर इसका आंदोलन रोकना बहुत ही भारी हो जाता है। राजस्थान का आंदोलन आपने देखा होगा, इससे पहले भी बहुत आंदोलन हुए हैं, गुर्जर लोगों का आंदोलन जो है रोकने के लिए फिर किसी भी सरकार के पास जो है कोई ताकत नहीं होती है। चलिए, तो आप देख सकते हैं गुर्जर भवन में यहाँ पर समाज के जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने बताया कि आखिर किस प्रकार की आगे की उनकी रणनीति रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।